कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः नमो महद्भ्यः ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य द्वितीय अध्याय प्रथम पाद प्रथम सूत्र स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंगात् अविरोधाध्याय का प्रारंभ भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग भाष्य के माध्यम से करते हैं। ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय है, उसका यह प्रथम सूत्र है। यद्यपि प्रथम अध्याय के माध्यम से वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद में और श्रीमद्भागवत गीता के आठवें तथा पंद्रहवें अध्याय में ब्रह्म संबंधी वचन हैं, जगत संबंधी वचन हैं, उनमें अविरोध है, विगीति विज्ञान या विकुलता नहीं है, इस तथ्य को सिद्ध किया गया। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः आदि वचनों के अनुशीलन से भी वेदों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व है, यही सिद्ध होता है। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा वेदांतों का परम तात्पर्य परब्रह्म परमात्मा ही है। सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान परिलक्षित होता है, उसमें भी गुणोपसंहार अन्याय से सामंजस्य साधा गया है। साथ ही साथ न तु किंचित विज्ञानमस्ति षष्टरी न षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति कहकर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने यह तथ्य ख्यापित किया कि षष्ठा परमात्मा को लेकर किसी प्रकार की विकुलता उपनिषदों में नहीं है। सृष्टि परक श्रुतियों में कहीं कहीं विज्ञान परिलक्षित है, उनमें भी जैसा कि मैंने कहा गुणोपसंहार अन्याय से सामंजस्य साधा गया है। दूसरा दृष्टिकोण भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने यह प्रस्तुत किया कि जिसमें तात्पर्य ही नहीं है उसमें विज्ञान दूषण नहीं है, भूषण ही है। वेदांतों में सृष्टि परक जो श्रुतियाँ हैं उनका अभिप्राय षष्ठा के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न करने में सन्निहित है, क्योंकि वेदांत वेद्य जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण है। शाखा चंद्र न्याय से शाखा का आलंबन लेकर चंद्रमा का दर्शन हो जाता है, तद्वत् सृष्टि का आलंबन लेकर हम षष्ठा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी चरमकारी का आलंबन लेकर उसकी अपेक्षा निर्विशेष कारण होता है, इस तथ्य को स्वीकार कर। इसका मतलब कार्य की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। इस तथ्य में आस्था करके हम सर्वथा निर्विशेष सच्चिदानंद तत्व तक पहुंच सकते हैं। सृष्टि का आलंबन लेकर षष्ठा तक पहुंच सकते हैं, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन यही है। यद्यपि स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है,
लेकिन सर्वथा मन वाणी से अगोचर उसमें मनोवृत्ति की पहुंच नहीं हो सकती। एतावता तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म तत्व है वो जगत का निमित्त और उपादान कारण है, इस तथ्य को सिद्ध किया गया। दूसरी बात यह है कि जन्माद्यस्यतः इस सूत्र के माध्यम से तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को सूत्रकार ने ख्यापित किया ताकि सांख्यों को भी शास्त्रार्थ का अवसर मिल सके। उनके यहाँ त्रिगुणात्मक प्रधान जिसको प्रकृति या अव्यक्त भी वे कहते हैं वही जगत का उपादान कारण सिद्ध है, ईश्वर नामक कोई तत्व नहीं है। जब हम तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से असहिष्णुता की दशा में सांख्य हम पर टूट पड़ते हैं। वो टूट पड़ते हैं तो उनको समझाने का हमको अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि तदैक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत तदात्मान स्वयंकुरुत सर्वम खलुदम ब्रह्म आदि वचनों के अनुसार वेदांत वेद्य परमात्मा सृष्टा भी है, अर्थात जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अगर हम त्रिगुणात्मक प्रधान या व्यक्त को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वीकार करेंगे तब ईक्षण किस में होगा? जड़ प्रधान प्रकृति में त्रिगुण में, यही तो जड़ वस्तु में जो ईक्षण होता है वह तो गौण होता है, व्यवस्थित कार्य में हेतु हो ही नहीं सकता। अब यह किनारा गिरना ही चाहता है, यह शरीर तुम पर बरसना ही चाहती है, यह शरीर तुम पर बरसना ही चाहती है, चावल पकना ही चाहता है आदि स्थलों में जड़ वस्तु में ईक्षण का आरोप किया गया। तो प्रधान उभय सम्मत सिद्धांत है कि त्रिगुणात्मक है, अचित है, जड़ है, सृष्टि संरचना के अनुकूल ईक्षण उसमें हो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु में ईक्षण का आरोप होता है, गौण होता है, उससे व्यवस्थित सृष्टि की संरचना संभव ही नहीं है। तो निमित्त कारणता तो यूँ है, अचित पदार्थ किसी चित से अधिष्ठित हुए बिना उपादान कारण हो जाए यह भी बहुत विचित्र है। यद्यपि पुरुष चित पदार्थ है जिसको वे लोग जीव कहते हैं, तथापि वह जो पुरुष है देह भेद से भिन्न है, प्रकृति को एक मानते हैं, पुरुष को देह भेद से परिच्छेदक देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के भेद से अनेक मानते हैं। ऐसी स्थिति में चित पुरुष से अधिष्ठित अचित प्रधान को भी जगत का कारण नहीं कह सकते। एतावता प्रधान जगत का निमित्त कारण भी नहीं हो सकता, न उपादान कारण हो सकता है। हाँ, जिसको वे त्रिगुणात्मक प्रधान प्रकृति या व्यक्त कहते हैं, निरालंबोपनिषद के अनुसार ब्रह्म शक्ति रेवक प्रकृति ही उसको परमात्मा की शक्ति मान लें तब वो अनिर्वचनीय भी सिद्ध हो जाएगी, और परमात्म तत्व से अधिष्ठित जो प्रकृति होगी उसमें जगत के रूप में परिणत होने की क्षमता भी आ जाएगी। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचराचरम हेतुना कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम आदि वचनों के अनुसार सिद्ध है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् इस श्वेतासुतर उपनिषद के अनुसार भी जिसको सांख्यवादी प्रकृति और स्वतंत्र कहते हैं, वेदांत प्रस्थान में वह प्रकृति माया है, ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति के रूप में अगर सांख्यवादी प्रकृति को स्वीकार करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह सब बात कही गई। अब यहाँ पर अविरोधाध्याय में प्रथम सूत्र यह उपस्थित होता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कपिल को सर्वज्ञ कहा गया, वहाँ हिरण्यगर्भ के अर्थ में कपिल शब्द का प्रयोग किया गया है।
कपिल प्रकट होते ही सर्वज्ञ सिद्ध हुए, क्योंकि भगवान परमात्मा ने उनमें अपने ज्ञान का आधान कर दिया। जब उपनिषद के अनुसार कपिल सर्वज्ञ हैं तो उनके नाम से ख्यात जो सिद्धांत है सांख्य सिद्धांत, उसको प्रमाण क्यों नहीं माना जाए, फिर यह आक्षेप प्राप्त हुआ। इसका उत्तर भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने दिया कि जो कपिल के नाम पर सिद्धांत ख्यापित है आजकल, वह सिद्धांत किस आधार पर हम माने। प्रश्न उठता है कि कपिल जी सिद्ध थे, सिद्ध का वचन प्रमाण मान्य है, तब इसका उत्तर क्या होगा, कोई भी जीव सिद्ध कब होता है, जब वो धर्मानुष्ठान करता है। सिद्धि का रहस्य और द्वार तो धर्म ही है। भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान अगर निष्काम भाव से किया जाए तो कर्ता का अंतःकरण शुद्ध होता है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविध संति, धर्म की सिद्धि तो वेद से होती है। तो वेद पहले सिद्ध हैं, वेदों के अनुशीलन से अध्ययन से धर्म की सिद्धि होती है, क्योंकि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। समग्र वेदार्थ जो है धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। ये दोनों ही अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, अतः प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा इनका अधिगम संभव नहीं। अगर वेद भी प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध पदार्थ को ही सिद्ध करते हैं, तब अनुवादक सिद्ध होंगे, अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। क्या अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं सिद्ध होता, वो तो परतंत्र है। वेद जो है अगर प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध तथ्य को ही उद्भासित करते हैं तो अनुवादक होने के कारण उनका स्वतंत्र प्रामाण्य ही निरस्त हो जाएगा। जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणों में किसी अन्य प्रमाण की गति नहीं है, वो दो तत्व हैं धर्म और ब्रह्म, उस धर्म और ब्रह्म के ही प्रतिपादक वेद सिद्ध होते हैं। वेदों के आधार पर धर्म का ज्ञान होगा। धर्मानुष्ठान अगर स्ववर्णाश्रम की सीमा में निष्काम भाव से भगवदर्थ को ही करे, करते 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 यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविध संति यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, बृहदारण्यक गीता के 18वें अध्याय के आधार पर महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, इस मनुस्मृति के आधार पर देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। उस दिव्यता की प्रगल्भता की दशा में कोई सिद्ध कहा जाता है। अब उस सिद्ध के वचन के आधार पर अगर हम श्रुति को ले जाएंगे तो श्रुति पहले सिद्ध होगी या सिद्ध पहले सिद्ध होगा? श्रुति पहले सिद्ध होगी तब श्रुति प्रतिपादित धर्म सिद्ध होगा। उस धर्म का कोई जीव अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठान करते करते कालांतर में वो सिद्ध होगा। अब उसके वचन को प्रमाण मान करके जिसने उसको सिद्ध बनाया श्रुति ने, न श्रुति हो न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न श्रुति होती न धर्म का ज्ञान होता, न धर्म का ज्ञान होता न धर्मानुष्ठान होता, न धर्मानुष्ठान होता न कोई सिद्ध होता। जिस श्रुति की महिमा से कोई जीव सिद्ध होता है, अब उस सिद्ध के वचन के आधार पर हम श्रुति का अर्थ लगावेंगे क्या? श्रुति तो पूर्व सिद्ध है। फिर दूसरी बात है कि श्वेताश्वतर उपनिषद ने कपिल जी का नाम लिया, केवल नाम लिया, उस नाम के आधार पर वर्तमान में जो कपिल जी के नाम पर दर्शन या सिद्धांत ख्याति प्राप्त है, सांख्य कारिका के माध्यम से भी जिसका ज्ञान होता है, उसको हम श्वेताश्वतर उपनिषद के कपिल से एक मान लें, दोनों कपिल को, केवल नाम साम्य को लेकर तो एकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।
एक नामक व्यक्ति अनेक हो सकता है। फिर अगर कहें कि कोई वासुदेव भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार का वर्णन किसमें पुराणों में है, तो उस दृष्टि से अगर विचार करें तो वे जो पुराणों में कपिल भगवान का वर्णन है, उनका उपदेश भी तो प्राप्त है। वह उपदेश तो जगत का निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म को ही कहता है। ऐसी स्थिति में कपिल के नाम पर डराना प्रारंभ मत करो। जिस कपिल के नाम पर जिस मत का प्रतिपादन आप करते हो, उस कपिल का सिद्धांत हमको अमान्य है, क्योंकि शुद्धि सम्मत नहीं। अब अगर कहते हैं कि स्मृतियों में अनवकाश नामक दोष की प्रसक्ति होगी, तो स्मृतियाँ केवल श्रुति के अतिरिक्त जो है, स्मृति केवल गौतम स्मृति तो नहीं है ना, कपिल स्मृति ही तो नहीं है ना, आखिर क्या है, मनुस्मृति भी तो स्मृति है, मनुस्मृति भी का भी हमको ध्यान रखना है। तब पूर्व पक्ष कहेगा आगे, मनुस्मृति का संरक्षण यो हो जाएगा कि मनुस्मृति तो धर्म का प्रतिपादक, मनुस्मृति का मुख्य तात्पर्य धर्म की सिद्धि में है। तो उस धर्म को तो कपिल जी छेड़ते नहीं, यथावत मानते हैं। तो मनुस्मृति आदि जिनमें याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति आदि जिनमें आद्यंत धर्म का ही वर्णन है, कहीं कहीं दाल में नमक के समान ब्रह्म का प्रतिपादन हो भी गया है, तो उसमें उनका तात्पर्य नहीं है। तो मनुस्मृति आदि की सार्थकता तो धर्म को लेकर हो जाएगी, क्योंकि उसमें अर्थ का भी वर्णन है, काम का भी वर्णन है, धर्म का भी वर्णन है, धर्म के विरुद्ध अर्थ काम का वर्णन है। उनकी सीमा तो धर्म अर्थ काम तक है, लेकिन कपिल महर्षि ने जो स्मृति की संरचना की, अर्थात उनका जो वचन या सिद्धांत है जो उनके नाम से ख्यात है, वो तो मोक्ष नामक पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु है। तो धर्म अर्थ काम की सिद्धि में तो मनुस्मृति आदि की सार्थकता हो जाएगी, कपिल मुनि भी ज्यों के त्यों मानते हैं। मोक्ष नामक पुरुषार्थ की सिद्धि में तुम कपिल का सिद्धांत मान लो, सबके सब क्या हो जाएंगे सार्थक। न कपिल का सिद्धांत उपेक्षित होगा, क्योंकि मुख्य तात्पर्य मनुस्मृति आदि का धर्म की सिद्धि में है, उसको तो कपिल छेड़ते नहीं, यथावत मानते हैं। धर्म को लेकर न्याय इत्यादि जितने दर्शन हैं उनमें कोई विज्ञान नहीं है, ब्रह्म को लेकर ही विज्ञान है। तो इन सब स्मृतियों को, मनुस्मृति आदि को क्या माने, धर्म प्रतिपादक प्राधान्य न व्यपदेश होता है, इनका तात्पर्य धर्म के प्रतिपादन में है, उसको तो कोई छेड़ते नहीं कपिल। मोक्ष पुरुषार्थ की दृष्टि से जो वर्णन किया है कपिल जी ने, अगर उनकी स्मृति को मान लेते हो तो दोनों प्रकार की स्मृतियों की रक्षा हो जाती है। दोनों प्रकार की स्मृतियां जो हैं अपने तात्पर्य को व्यक्त कर देती हैं, धर्म की सिद्धि मनवादी स्मृतियों के माध्यम से, और जगत कारण की सिद्धि कपिल जी की स्मृति के माध्यम से। वहां तो ब्रह्म है ही नहीं। इस पर कहा गया कि नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि मनुस्मृति आदि का तात्पर्य केवल धर्म में है। किसी वस्तु का प्रतिपादन अधिक पृष्ठों में न किया जाए, पंक्तियों में न किया जाए, दो ही पंक्ति में कर दें, तो क्या हम कहेंगे कि उस ग्रंथ का तात्पर्य उसमें है ही नहीं। बहुत विचित्र बात है, सेना नायक तो एक होता है, सैनिक बहुत होते हैं, तो सेना नायक को हम क्या कुछ गिनेंगे नहीं। वेद तो बहुत हैं, वेद मंत्र, लेकिन महावाक्य तो चार ही हैं, उसमें भी एक महावाक्य से काम चल जाता है, तो महावाक्य को हम दुर्बल मान लेंगे। भेद परक श्रुतियाँ बहुत हैं, अभेद परक महावाक्य है, तो महावाक्य तो महावाक्य है ना। अगर कोई तथ्य प्रकाशित कम शब्दों में होता है तो उसकी उपेक्षा थोड़े की जाएगी। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, पहला अध्याय और 12वां अध्याय तो ब्रह्म परक है, मध्य के जो 10 अध्याय हैं वो धर्म परक हैं, लेकिन वो धर्म परक होने पर भी आखिर किसके लिए हैं। उपक्रम और उपसंहार के द्वारा जिस ब्रह्म का प्रतिपादन मनवादी स्मृतियों के माध्यम से हुआ है, उस ब्रह्म तक पहुंचने की क्षमता जीवात्मा को प्राप्त हो सके, तदर्थ धर्म का प्रतिपादन है।
तो जिसके लिए धर्म का प्रतिपादन है उसमें मनुस्मृति का तात्पर्य ही नहीं है, याज्ञवल्क स्मृति आदि का तात्पर्य ही नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने दो स्थिति है। अगर हम कपिल जी की स्मृति को मानते हैं तो मनुस्मृति आदि का समादर नहीं होता है, अनवकाश निरवकाश जिसको हम स्थान नहीं देंगे उसका क्या विवरण होगा। और अगर कपिल जी को मान लेते हैं तो मनुस्मृति आदि को ताक पर रखना पड़ेगा, मनुस्मृति आदि को मानते हैं तो कपिल की स्मृति निरस्त हो जाएगी। दोनों में निर्विरोध सामंजस्य जो आपने साधा वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्मृतियाँ केवल धर्म की ही नहीं बल्कि ब्रह्म के भी प्रतिपादक हैं। समग्र वेदार्थ मनुवादि स्मृतियों के माध्यम से प्रकट है। मनु की मनुस्मृति की महिमा वेद भी गाते हैं। मनु ने जो कहा वो महौषद है, स्मृतियों में भी मनु की महिमा है। लेकिन श्रुति में श्वेता स्वतर मंत्रोपनिषद है, उसमें जो कपिल जी का वर्णन है वो कपिल ने जो कुछ कहा उस स्मृति की कहीं महिमा नहीं गाई गई, मनुस्मृति की या मनु की महिमा गाई गई है। अतः अब श्रुति के अनुकूल जो स्मृति हो उसको हम मानेंगे या श्रुति के प्रतिकूल, जो श्रुति के प्रतिकूल है चाहे वो कपिल जी के द्वारा प्रणीत ही क्यों ना हो, तो कपिल जी के नाम पर हम डरेंगे नहीं, श्रुति के विरुद्ध होने पर हम उसको नहीं मानेंगे। यही सनातन धर्म क्या तुलसीदास जी ने बहुत विचित्र बात लिख दी, जय ही निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। भगवान भी अगर श्रुति के विरुद्ध किसी अभिप्राय विशेष से बोलते हैं उनकी बात भी हम नहीं मानते। हमारे यहाँ भगवान बड़े हैं या श्रुति बड़ी? श्रुति की सीमा में हमको भगवान चाहिए क्या? बुद्ध भगवान जो गौतम बुद्ध नहीं, दोनों का गोत्र एक ही था, ये नेपाल वाले बुद्ध और गया वाले बुद्ध दोनों का गोत्र एक ही था। हाँ हमारे बुद्ध जो विष्णु भगवान माने वो ब्राह्मण कुल के थे, और ये जो नेपाल में बुद्ध हुए वो क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मण कुल के बुद्ध पहले हुए, क्षत्रिय कुल के बुद्ध बाद में हुए। कीकटेषु भविष्यति भागवत में है, कीकट का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया है गया प्रदेश गया क्षेत्र, वो नेपाल में हुए ये गया में हुए, दोनों बुद्ध में अंतर है। तब वो ये जो भगवान विष्णु के अवतार जो बुद्ध हैं जिनके लिए हम कहते हैं बौद्धावतार संकल्प में, उन्होंने क्या किया, अनधिकारी व्यक्ति यज्ञ में घुस गए थे, यज्ञ करने लगे थे स्वाहा स्वाहा। अब उन अनधिकारियों को कहा जाता तुम अधिकारी नहीं हो, सब टूट पड़ते विप्लव मचा देते जैसे आजकल। तो फिर भगवान ने क्या किया, छल का प्रयोग किया। छल का प्रयोग क्या किया, भाड़ झोंकने में क्या लगा है भाई, गर्मी के दिनों में झम्मन जी थोड़े हो आपकी, लू हो बाहर और यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करो, शरीर को झुलसाने में क्या लगा है, ये सब तो बेकार के हैं। नियम का पालन करो, नियम का पालन करो, समाधि लगाओ, झटपट मोक्ष करो, भाड़ झोंकने में कुछ लगा है क्या? कभी कभी शास्त्रीय तथ्य विधा की रक्षा के लिए छल का उपयोग करके अन अधिकारियों को दूर किया जाता है। छल करते हैं भगवान, कृष्ण भगवान ने छल किया, इंद्र के गुमान को दूर करना था, पिताजी भोले भाले थे, वो आजकल के क्या थे, कंप्यूटर और को क्या मोबाइल वाले थे, श्री कृष्ण बड़े चतुर, उन्होंने पिता भोले भाले को बरगला दिया, ये गोवर्धन इनको देवता मानिए ना, इनकी कृपा से वर्षा, इनकी कृपा से चारा, इनकी कृपा से गायों का पेट भरता है, कभी इंद्र को देखा है क्या, झूठ मूठ देवता देवराज इंद्र हैं, देवराज इंद्र कौन होता ना। अच्छा हाँ बात तो ठीक कह रहा है, ये तो पर्वत दिखाई पड़ते हैं, घास देते हैं, ये देते हैं, ये सब कुछ है, इनके कारण वर्षा होती है। अब भोले भाले ब्रजवासी ने सब मान लिया लाला की बात, फिर क्या करा किया, बस इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। ये हुआ तो भगवान ने इंद्र के गुमान को दूर करने के लिए देवता का अस्तित्व मानते हुए भी जो ब्रजवासियों को बरगला दिया, बरगलाने में पिताजी को भी डाल दिया, पिता को भी बरगला दिया, आजकल के थे अप टू डेट श्री कृष्ण भगवान,
पिता पिता भोले वाले थे। बाद में क्या हुआ, इंद्र को जब भेंट पूजा नहीं मिली, गिर गिरा के आ गया, पहले कुपित हुआ, वर्षा खूब की, भगवान ने सबकी रक्षा कर दी। लाला तुमने बरगला दिया, देखो इंद्र कुपित हो गया, वर्षा से कौन रक्षा, आ जा गोवर्धन रक्षा करेंगे, बस उठा लिया। अब गोवर्धन नाथ में और आस्था हो गई, इंद्र बेचारा गिर गिरा के आ गया, हो गया ही ना। अब श्री कृष्ण भगवान ने भी छल किया या नहीं, देवता को मानते थे, इंद्र को मानते थे, लेकिन उसके गुमान को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए नास्तिक बन गए। ऐसे छल कर टारे उतास व्रत, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे वेदों को अगर भगवान की वाणी सम मानेंगे, एक दोष फिर भी रह सकता है। क्या होता है, विप्रलिप्सा जिसको छल कहते हैं, भगवान में तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब गुण संपन्न हैं, लेकिन करुणा पातव इत्यादि दोष, करणगत अपटुता, ये सब भगवान में नहीं है। एक दोष भगवान में हो सकता है, विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा माने छल, छल कर टारे उतास व्रत। राम जी भोले भाले हैं पर छल वो भी करते हैं, खोज मारी रथ हाँको ताता। अयोध्या वासी को सोने दे दिया, कहा कि अयोध्या क्यों रथ ले चलो, ये तो सो रहे हैं, जगेंगे तो भोले भाले हैं, समझेंगे कि राम जी लौट गए, हमारी बात मान ली, यूं यूं करके फिर जंगल की ओर ले जाए, उनको सोए छोड़ दो सो। आवश्यकता पड़ने पर राम जी भी छल का उपयोग कर लेते हैं। अगर वेदों को भगवान की वाणी मानेंगे तो क्या होगा, प्रमाद ये सब गुण दोस्तों नहीं होगा, विप्रलिप्सा, कहीं कहीं भगवान देवता सज्जनों की रक्षा के लिए, असुरों को बरगराने के लिए विप्रलिप्सा का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए भ्रम प्रमाद करुणा पाठव विप्रलिप्सादि सकल जीव निष्ठ दोषों से विनिर्मुक्त वेद हैं, क्योंकि जीव कर्तृक अगर वेद होंगे तो कहीं भ्रम, कहीं प्रमाद, कहीं विप्रलिप्सा, कहीं करुणा पाठव ये दोष हो सकते हैं। यद्यपि ईश्वर में अन्य दोष नहीं हैं, लेकिन सगुण साकार जो ईश्वर हैं, देवताओं का कार्य करने के लिए कभी कभी छल का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आस्तिक होने पर भी, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता अस्तित्व को नकार दिया, इस प्रकार से कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि मनुस्मृति आदि में जो धर्म और ब्रह्म दोनों का वर्णन किया गया है, उस दृष्टि से विचार करें तो धर्म यद्यपि गौतम स्मृति आदि का विषय नहीं है, लेकिन जिस का वर्णन किया गया है प्रकृति का, वह तो अचेतन है, अचेतन कारणवाद स्मृतियों को अमान्य है। तो श्रुति के अनुकूल जो स्मृति है वह निरवकाश ना हो, इस दृष्टि से हम किसका पक्ष लेंगे, श्रुति के अनुकूल जो मनुस्मृति आदि हैं उनको किसी प्रकार से हम टाल नहीं सकते, भले ही ये गौतम स्मृति की बलि दे दी जाए, हमें उसमें कोई चिंता नहीं। यह अवश्य दो अनवकाश, या तो गौतम स्मृति, कपिल स्मृति, कपिल गौतम आदि, कपिल स्मृति को हम अगर प्रमाण मानते हैं तो मनुस्मृति आदि का तात्पर्य समाप्त हो जाएगा, मनुस्मृति आदि को प्रमाण मानते हैं तो कपिल स्मृति की निरर्थकता सिद्ध हो जाएगी, दोनों में सामंजस्य साधने का मार्ग नहीं है, तो हम किसके पक्षधर बने, श्रुति के अनुकूल जिसका पक्ष है उसका पक्षधर बने, न अपना राग न किस द्वेष, यह है स्मृति अनवकाश, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत, अन्य स्मृति नव अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, इधर अगर अनवकाश है उसको अवसर देते हैं तो उधर अनवकाश हो जाएगा, ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार की स्मृतियों में सामंजस्य साधना संभव नहीं। एतावता श्रुति के अनुकूल जो मनुस्मृति आदि हैं जिसमें धर्म का वर्णन भी सांगोपांग है और जगत कारण अचित प्रधान को न मान करके ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, तदैच्छा से इच्छा चक्रे तदात्मान स्वयं कुरुत आदि श्रुतियों के अनुकूल होने के कारण हम मनुस्मृति आदि निरर्थक या व्यर्थ न सिद्ध हों, ऐसा मानकर कपिल स्मृति
की उपेक्षा करते हैं क्योंकि श्रुति विरुद्ध हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, वेद की निंदा भगवान के अवतार बुद्ध ने की तो हम वैदिकों की दृष्टि में वो निंदित हो गए। वेद की निंदा भगवान भी करेंगे तो ऐसे भगवान को हम नहीं मानेंगे, निंदित हो गए। हमारे यहाँ वेद की मुख्यता क्या है। इसीलिए वृंदावन के व्यक्ति कहते, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को ननिहार। श्री कृष्ण चाहिए तो वृंदावन की सीमा के अंदर का, उसी को हमने ढाला था 74 में। निगम राज सीमा के बाहर हरिहू को ननिहार। हमको ईश्वर चाहिए तो निगम राज माने वेदांत की सीमा का, वेदवाही ईश्वर से हमारा कोई काम नहीं चलेगा। क्या ईश्वर ईश्वर एक समान नहीं, हम ईश्वर के पक्षधर हैं, लेकिन निगम राज सीमा के बाहर हरिहू को ननिहार। जिस गली कूची का ईश्वर हमको नहीं चाहिए, हमको वेद की सीमा का ईश्वर चाहिए। वेद की सीमा का माने वेद वेद जो ईश्वर नहीं होगा, उसमें ईश्वर के लक्षण ही चरितार्थ नहीं होंगे। आर्य समाजियों ने वेद का नाम तो लिया, उनका जो ईश्वर है जगत का निमित्त कारण हो सकता है उपादान कारण, तो परमाणुओं को मानते हैं, आरंभवाद मानते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, उनका ईश्वर हमें अमान्य है। और फिर योगियों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण हो सकता, सर्वज्ञ बीज होने के कारण उपादान नहीं हो सकता। पाशुपतों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण हो सकता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वैशेषिकों का ईश्वर, न्यायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर, बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। तो जगत जो बन नहीं सकता, उसका जगत पर पूरा नियंत्रण हो सकता है क्या? कहो जी भृगु जी, जगत जो बन नहीं सकता है, बना सकता है तो जगत रूप यंत्र पर जगत बनाने वाले का क्या पूरा नियंत्रण रह सकता है? तो ईश्वर का लक्षण ही उसमें पूरा चरितार्थ नहीं होता। ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? पूज्य गुरुदेव ने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा, तो ईशावास्योपनिषद पर भी भाष्य है, अपने यहाँ एक दो प्रति पृथक से है उसको। ये जो अध्यात्म रहस्य हो जाए तो उसको कंपोज करने के लिए देंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने लिखा, कितना भी निपुण यांत्रिक क्यों ना हो, जब वो कोई यंत्र बनाता है तो यंत्र बनता तो नहीं, इसीलिए यंत्र पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं रहता। तो यंत्र पर पूरा अधिकार नहीं रहता, इसी प्रकार से भगवान जगत बनाएंगे, जगत बनेंगे नहीं तो जगत भगवान के नियंत्रण में पूरा कैसे रहेगा? जल तरंग तो जल के नियंत्रण का अतिक्रमण कर नहीं सकते, क्योंकि जल उपादान कारण है। ताम्र पात्र जो है वो ताम्र का अतिक्रमण करके अपनी सत्ता अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकता। अगर भगवान जगत का निमित्त कारण ही हो तो जगत एक यंत्र तो हो गया, रचयिता भगवान तो हो गए, लेकिन भगवान के सर्वथा अधीन तो जगत नहीं सिद्ध होता। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान में पूर्ण स्वातंत्र सामर्थ्य ही सिद्ध नहीं होता, तो भगवान का लक्षण ही भगवान में चरितार्थ नहीं होता। ठीक, फिर नैयायिकों का ईश्वर क्या होगा जी? बहुत विचित्र होगा। जीवात्मा परमात्मा आत्मा के दो भेद करते हैं ना, स्वतः सत नहीं होगा, स्वतः चित्त नहीं होगा, स्वतः आनंद नहीं होगा। लो, सत्ता सामान्य के योग से सत होगा, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त होगा, आनंद नामक गुण के योग से आनंद होगा। न स्वतः सत होगा, न स्वतः चित्त होगा, न स्वतः आनंद होगा। खोपड़ी पचा करके भी ईश्वर को सिद्ध किया, ऐसा ईश्वर ला के रख दिया, न स्वरूप से सत, न स्वरूप से चित्त, न स्वरूप से आनंद। तो क्या करेंगे उस ईश्वर को लेकर? इसलिए अतीन्द्रिय पदार्थ का निरूपण करने चलें, श्रुति को ताक पर रखकर कितने भी सिद्ध महात्मा अपनी अकल लगावें, सकल लगावें, वहाँ त्रुटि कर जाएंगे। यह सब हुआ। अब भाष्य, इसमें परिश्रम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखो भाई, सिद्धि नहीं बता करता,
जब मैंने पंचदशी छुई, पंचदशी को छुआ मैंने, कहाँ पर, वृंदावन में आकर, विवेक चूड़ामणि ये सब सब सदैव होने पर, तो लगा कि मुझ पर हिमालय बजार दिया गया। उस समय हिम्मत हार लेता तो कुछ भी नहीं मिलता। पंचदशी पढ़ते पढ़ते, परिश्रम करते, रगड़ करते करते, अब पंचदशी कहाँ क्या है, वो भी काशी भेजा था ना। पंचदशी पूरी होने के बाद वेदांत परिभाषा को छुआ तो लगा कि मेरे ऊपर एक क्या है, हिमालय बाजार दिया गया। अब आप खंडन चित सुखी अद्वैत सिद्धि छुए तो लगेगा हिमालय बाजार दिया गया। हमने पढ़ा है पूर्वाचार्य से खंडन भी, अभ्यास नहीं हो पाया। थोड़े दिन 15-20 दिन में फिर, इसका मतलब डरते गए तो मरते गए। क्या डरते गए तो मरते गए? एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हमारी भावना है कि आप हमारे इस अनुभव से लाभ उठाओ। डरना नहीं चाहिए कि शास्त्र इतने भयंकर हैं, इतने गंभीर हैं, उसमें मेरी क्या दाल गलेगी, ये नहीं। करोड़ों कल्पों से जीव तो जन्म लेता है, शरीर छोड़ता आता है, अंतःकरण तो वही होता है ना। अब देवता जो हैं, छांदोग्य उपनिषद के आधार पर बोल रहा हूँ, आज जो देवता बने हैं, सूर्य बने हैं, चंद्र बने हैं, सबको नमस्कार है, जिन जिन कर्मोपासना के फल स्वरूप देव शरीर की प्राप्ति हुई है, जब तक वो देव शरीर की प्राप्ति रहेगी तब तक उनके अंतःकरण में जो पाप के संस्कार हैं दबे रहेंगे। निष्पाप नहीं होते देवता। छांदोग्य सूत्र में सिद्ध किया गया है, नहीं, देवता सर्वथा निष्पाप नहीं होते, देव काल में निष्पाप होते। जिन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देव शरीर मिला है, जब तक उस देव शरीर में रहेंगे तब तक पुण्य ही फलित होता रहेगा। अब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जब देव शरीर का प्रारब्ध शांत हो जाएगा तो मान लो एक देवता को कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा आगे, तो पाप के संस्कार उभर आएंगे, तब कुत्ते के आहार में प्रवृत्ति होगी। अमृत भी मनाने पर जो छकते थे नखरे करके, वो कुत्ते के आहार पर वही देवता टूट पड़ेंगे। तो इसका मतलब, अच्छा वो कुत्ता है क्या पापी है? पाप कर्म का उभर के आया तो कुत्ता बन गया, लेकिन उसमें इंद्र बनने की भी क्षमता है, कभी इंद्र भी रहा होगा। इसलिए देखिए, पापी से पापी में पुण्य से पुण्य है। कई बार देवता रहा होगा, किसी को पापी नहीं मान के उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस समय पापी है, लेकिन बोरिंग करके उसके पुण्य के संस्कार को बारा जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम आपने जो करोड़ों बार हम आप व्याकरणाचार्य रहे होंगे, क्या आज मान लो व्याकरण नहीं जानते, तो जब हम बुद्धि पर बुद्धि को धरोहर न रखें, यहीं की घटना है। मैं कोई गृहस्थाश्रम से तो सन्यासी नहीं हुआ, महाराज ने प्रतिबंध लगा दिया, महाराज ने निंदा नहीं कर रहा, चुटकुला सुना रहा हूँ। स्वामी जी आप भले ही सन्यासी ब्रह्मचारी तो थे ही, सन्यासी भी, लेकिन अब आप शंकराचार्य के पद पर हुए हैं, तो पुराने वस्त्र जो वृंदावन से लाए हों वो मत पहनिए। हम तो दो कट वस्त्र लेकर आए थे, हमारे पास तीसरा था भी नहीं, शंकराचार्य बनने तो नहीं आए थे। हाँ मोहिनी जी एक कपड़ा इनको दे दो। बक्से से मोहिनी देवता ने कपड़ा निकाला, वो बक्से में ही इतना जीर्ण हो गया था कि पहन के बैठते चर प्रतिबंधित, रुपया थानी बाजार से कपड़ा खरीदते। शंकराचार्य का पद चिन्मयानंद वासे का बड़ी मुसीबत, उन्होंने कहा कि कोई आप गृहस्थाश्रम सन्यासी पहले से थे, शंकराचार्य हुए, अब इनसे दोबारा मांगेंगे तो का बात नहीं, फिर आप पुराना वस्त्र पहनते रहिए, कोई आप, हमने वो किया। तो अगर कोई समझे कि कपड़े नहीं पहनेंगे, नया कपड़ा बक्से में रखे रहेंगे तो क्या फटेगा? नहीं, जैसे कांड हो गया, फट गया चर से। इसी प्रकार कोई समझे कि बुद्धि पर बल नहीं देंगे तो बुद्धि पुष्ट होगी, या नहीं, जब हम विचार करते हैं तो क्या होता है, तदनुकूल परमाणु जो जन्म जन्मांतर के हैं
थोड़े बोरिंग करने पर सब सजाती परवान कर्षित हो जाते, तो हमारी हमको भी आश्चर्यचकित करने वाली विद्या प्रकट हो जाती है। इसका अनुभव मेरा रोज का, जिसे लाभ उठाना चाहिए ना। ऊपर ईश्वर का स्मरण करते हैं, अपना बल नहीं, गुरु का स्मरण करते हैं, ग्रंथ का अनुशीलन करते हैं, अंदर जन्म जन्मांतरों के जो सजाती परमाणु हैं वो कर्षित हो जाते। इस प्रकार से बताया। अब लो जे प्रथमे अध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगता उत्पत्ति कारणम। प्रथम अध्याय में चारों पादों को मिलाकर प्रथम अध्याय में जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ भी हैं, सर्व के नियामक भी हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, ऐसा कहा गया। अब भगवान शंकराचार्य महाराज अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। यतो वायमान भूतानि, इन श्रुतियों के अनुसार भगवान जगत के क्या हैं, भगवान जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। भगवान से जगत उत्पन्न होता है, भगवान में जगत स्थित रहता है, समय आने पर भगवान में जगत विलीन हो जाता है। एक ही से उत्पत्ति, जिससे उत्पत्ति उसी में स्थिति उसी में समृद्धि या विलय। तो शंकराचार्य महाराज अनुग्रह करके तीन उदाहरण देते हैं, उत्पत्ति के लिए पृथक, स्थिति के लिए पृथक, समृद्धि या संहार के लिए पृथक। प्रथमे अध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगतः उत्पत्ति कारणम। मृत सुवर्णादया एव घट रुचिकादी नाम। घट कुल्लर सकोरे इत्यादि जो हैं उनका उपादान कारण जिस प्रकार मिट्टी है, कटक मुकुट कुंडलादि जो सुवर्णाभूषण हैं उनका उपादान जिस प्रकार सुवर्ण है, उसी प्रकार वेदांत वेद्य परमात्मा जगत के उत्पादक हैं। एक उदाहरण दो देकर के एक सिद्ध किया। मिट्टी से घटादि की उत्पत्ति, सुवर्ण से कटक मुकुट कुंडलादि की उत्पत्ति के सदृश वेदांत वेद्य परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। स्थिति के लिए अलग उदाहरण दिया। उत्पन्न से जगतो नियंत्रित्वेन स्थिति कारणम। उनसे प्रकट हुआ जो जगत है उसके नियामक भी भगवान हैं, भगवान ही होते हैं, नियामक होने के कारण स्थिति में हेतु होते हैं। तो नियामक होगा वो स्थिति में हेतु होगा, नियमन टूट गया तो स्थिति में हेतु नहीं। लार प्यार ज़्यादा करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए बहुत बढ़िया नियंत्रित्वेन स्थिति कारणम। उत्पन्न जगत का नियामक होते हैं भगवान, इसलिए स्थिति में हेतु होते हैं। इसमें अलग दृष्टांत दे दिया। मायावीव मायायाः, जैसे मायावी होता है वो माया की स्थिति में कारण होता है, अपनी माया से जो कुछ दिखाता है उसका नियामक होता है, जब दिखाना दिखाने की इच्छा न रह जाए दिखाना बंद कर देगा। अब तीसरा उदाहरण है कि संहार में भी हेतु भगवान ही है। जगत की उत्पत्ति भगवान से होती है, जगत की स्थिति में भी भगवान ही हेतु हैं, भगवान ही संहर्ता भी हैं। उत्पत्ति स्थिति को लेकर उदाहरण दे दिया। अब संहार प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येव उपसंहार कारणम। जैसे कोई वस्त्र है ऐसे रखे हैं और उसको फैला देंगे, प्रसारितस्य च जगतः, और जो फैले हुए वस्त्र को फिर समेट लेंगे। वस्त्र छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यूँ कर लिया, ये जगत द्वाल जो है महाप्रलय के समय भगवान क्या करते हैं, समेट लेते हैं। तीसरा एक एक उदाहरण दे दिया खुलकर समझने के लिए। एक एक में से दो भी हैं। जैसे मिट्टी जो है घटादि का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान है। सुवर्ण जो है कटक मुकुट कुंडलादि का उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान भी है,
शंकराचार्य ने बाल गोपाल समझ सकें इस दृष्टि से पृथक पृथक उदाहरण उत्पत्ति को लेकर अलग, स्थिति को लेकर अलग, संहार को लेकर अलग। मायावी जो है मायिक सृष्टि का को जन्म भी देता है, मायिक सृष्टि का नियामक भी होता है, जब उसकी इच्छा होती है तब समेट भी लेता है। एक में भी शेष दो को ले लेना चाहिए। अब फैला हुआ जो वस्त्र है उसको जैसे कोई समेट ले, या हम कहते हैं जैसे यूँ हथेली को फैला दें, फैली हुई हथेली को यूँ मुट्ठी बांध लें, समेट लें। प्रसारिता सीता जगता पुनः स्वात्मन ने वो उपसंहार कारणम, फिर स्वात्मा में माने अपने स्वरूप में ही विलीन कर लेते हैं भगवान, इसलिए समृति में हेतु हैं। उसमें उदाहरण अवनिरीव चतुर्विधस्य भूतक ग्रामस्य अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज, ये चार प्रकार के जो भूतक ग्राम हैं प्राणियों के समुदाय, ग्राम माने समुदाय, भूत माने प्राणी, चार प्रकार के जो भूतक ग्राम हैं वो क्या हैं, जैसे पृथ्वी में जाकर समा जाते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान में ही प्रलय काल में सारा का सारा जगत द्वाल, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के सहित क्या स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं सब विलीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अवनिरीव चतुर्विधस्य भूतक ग्रामस्य, भूतक ग्राम में यहाँ पर उद्भिज्य स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी के तीन भेद हैं, स्वेदज अंडज अंडज जरायुज। स्वेद माने मलमूत्र पसीना से उत्पन्न होने वाले, जेर सहित उत्पन्न होने वाले, जरायुज और अंडा से माँ के गर्भ से अंडा के रूप में प्रकट हुए, जैसे मछली हैं, सर्प हैं, कछुआ आदि हैं, फिर उनका अंडे से जन्म हो जाता है अंडज प्राणी, अंडजप प्राणी। तो ये तीन प्रकार के जंगम प्राणी और उद्भिज कहते हैं पृथ्वी से निकलने वाले उद्भिज। एक बार मैं तर्पण कर रहा था, बाबा लोग बड़े दम भी होते प्राय आप लोगों को छोड़ कर, क्या हो गया, तो मैं तर्पण कर रहा था, धर्मानंद देवता हमारे गुरु भाई, उनका कोई चेला आ गया, अच्छा वो एक चेला उनका ये है जो अपने गुरु का नाम भी नहीं लेता बंगाली बाबा, उनका एक चेला आ गया आप नहीं, और दंड खोल के मैं तर्पण कर रहा था, अरे मुझे लगता तो आगरा जिला की भाषा, तुम सिद्ध हो, तुम तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हो गुरु जी। हमने कहा मैं तो सिद्ध नहीं हूँ, मैंने कहाँ कहाँ सिद्ध हूँ, सिद्ध कौन है, हमारे गुरु जी। हमने कहा कोई दम भी होगा तुम्हारा गुरु कौन है सिद्ध, धर्मानंद। हम कहाँ समझ क्या है, तुम्हारे दंड में किला नहीं आया आगरा भाषा, किला नहीं समझते, अंकुर आदि सूखा का सूखा है। तो हमने कहा कौन तुम्हारा गुरु है, धर्मानंद है, ऐसे कहा। अच्छा उनके दंड में किला आया, हम उनके दंड में किला आ गया, अंकुर आ गया। हमने कहा बड़ा दम भी है वो तो, अब मिलेगा तुम्हें खबर लूँगा तुम्हारे गुरु की। हमने धर्मानंद जी से कहा ये क्या पोल पट्टी सिखा रखा है भाई, देहात में पूजने के लिए यही सब करना पड़ता है। तो हमने कहा किला कहाँ, दिखाओ खोल के दंड, रात में नहा लेता हूँ, दंड तर्पण कर लेता हूँ, कोई नहीं देखता, उसके बाद खोल लगा देता हूँ। लोग कहते गुरु जी खोल क्यों लगाए हैं, किला का दर्शन करने वाला बेहोश ना हो जाए, किला है इसमें अंकुर है बड़े बड़े विकट लोग होते हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी से किला हुआ है उस अंड, ये कौन है उद्भिज प्राणी। हाँ फिर माधवाश्रम जी ने कहा एक गांव के प्रधान के पास गए शिमला में, वो गांव का प्रधान अपने भोला भाला था, ये बाबा ठहरे, इधर से उधर से सब जंगल का रास्ता मालूम था, उस गांव के प्रधान से मिल के आ रहे, शॉर्टकट को जंगल का रास्ता मालूम था, अपने आश्रम पर आ गए, उसको कोई ज़रूरत पड़ी वो आया लंबे रास्ते से, इनको देख लिया, गांव में जाकर कह दिया भाई महाराज सामान्य नहीं है, सिद्ध हैं, देखो उनके जाते ही मैं चला, कहाँ से आ गए आश्रम में प्रकट हो गए वो, मैं बहुत देर में पहुँचा, ये बाप इनके यहाँ आश्रम में जितना खर्च हो मेरी आज्ञा है, मेरे पास बिल लाना, बाजार से सब चला जाए,
माधवाश्रम में का यूँ काम चलता है, आप अपना बने रहिए, हमारा काम यूँ चलता है। फिर धर्मानंद जी आए सामने, हमारे वही गुरु भाई, बहुत अच्छा समय हो गया इनको जाना भी। लोगों ने कहा इस गुफा में चंबल किनारे प्रेत रहता है, कईयों को पटक चुका, आप मत रहिए गुरु जी, साहस करके रुक गए। उसके बाद ये अपना जहाँ जाना था एक रात काट करके चले गए। अब लोग आए मिलने, लोग आए मिलने तो जिन रहता था सचमुच में मुसलमान हो, वो धर्मानंद बन के प्रकट हो गया। बातचीत की धर्मानंद, अरे तुम लोग आज गुरु जी का दर्शन नहीं करने के, हम तो बात करके, अरे गुरु जी तो उस गांव गए, भेजो साइकिल से 5-7 किलोमीटर, वहाँ गुरु जी निकले, कहो हम तो यहाँ परसों से हैं या इतने आगे कल से हैं। सब ने वो जिन ने इनको सिद्ध बना दिया, वो भूत जो है धर्मानंद बन गया था। कहा ऐसे पूजा जाता है, किसी को प्रधान सिद्ध बना देता है, किसी को जिन भी सिद्ध बना देता है, ये नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा ये अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज जितने भी चार प्रकार के प्राणी हैं, अंत में जाकर सब पृथ्वी में समा जाते हैं। एक पंक्ति और, स एव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम्। इस प्रकार वह जो ब्रह्म तत्व है, वही जगत की उत्पत्ति में, जगत की स्थिति में, जगत की समृद्धि में, यहाँ तो अलग अलग उदाहरण दिया, लेकिन वहाँ एक ही ब्रह्म, उसी से जगत उत्पन्न होता है, उसी में जगत स्थित होता है, उसी में जगत विलीन होता है, जगत का उत्पादक पालक संहारक तीनों ही वही है, अर्थात निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। ईक्षण पूर्वक स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट कर देता है, अनेक रूपों में प्रकट कर उनका संरक्षण भी करता है। मौज आई फकीर की, कुटिया फूंक दी, जब होता है कि वह समय आ गया, सब प्राणियों को क्रम से अपने में विलीन कर लेता है। यह हुआ स एव च सर्वेशा न आत्मेत्य, हम लोगों का जितने हम स्थावर जंगम प्राणी हैं, देवता धनुज इत्यादि हैं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में सब के सब वस्तुतः वो आत्मस्वरूप ही हैं। हमारा आपका भी तात्विक स्वरूप वो ब्रह्म ही है, केवल उपाधिकृत भेद के कारण हम उस परम तत्व जो कि जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है, उससे अपने को भिन्न समझते हैं। समग्र वेद वाक्यों का, वेदांत वचनों का समन्वय उस ब्रह्म में है। प्रतिपादितम, इस प्रथम पूर्व प्रथम अध्याय में इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया। साथ ही साथ प्रधानादि कारणवादाश्च अशब्दत्वेन निराकृताः, साथ ही साथ अशब्द, अशब्द माने श्रुति के अनुकूल न होने के कारण, गौतम इत्यादि कपिल इत्यादि के दर्शन में जो बताया गया कि जगत का निमित्त और उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है, उसका निराकरण भी कर दिया गया। ब्रह्मेतर उपादान कारण का निराकरण कर दिया गया, ब्रह्मेतर निमित्त कारण का भी निराकरण कर दिया गया। एतावता वेदांत वेद्य ब्रह्म को जगत का उत्पादक पालक संहारक बताया गया। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि तीनों की सिद्धि जिससे होती है, वही वेदांत वेद्य ब्रह्म है। प्रथम अध्याय का सारांश भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस प्रकार प्रकट किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।